वाटर पार्क में मिल गई डाइन। ये एक अंधेरी चांदनी रात की बात है जब शेरू ने घर से दूर निकल आया। जब उसने कुछ अजीब देखा, एक पुराना अबैंडनड वाटर पार्क, जंग लगे स्लाइड्स और दरारें, पड़ी स्विमिंग पूल की टाइल्स, रात में भूतिया लग रही थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो शेरू को खींच रहा था अजीब आवाज की ओर। आकर्षित होकर वह धीरे धीरे भूतिया पूल के पास पहुंचा। पानी स्थिर था, चांदनी की रोशनी में उसकी छाया बन रही थी, लेकिन आसपास का माहौल गलत महसूस हो रहा था। जो एक समय बच्चों की हंसी में गूंजता था, अब वह सिर्फ सरसराहट में बदल चुका था, जैसे कोई ठंडी हवा बह रही हो। अचानक तापमान गिर गया, पूल का पानी लहराया जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे हिलाया हो। शेरू की आंखें चौड़ी हो गई जब एक आकृति उभरी, एक बूढ़ी डायन जो फटी हुई चादर पहने थी और उसके सफेद बाल पानी में तैरते हुए जैसे हवा में लहराए। उसकी आंखें अजीब चमक से चमक रही थीं और उसने शेरू को घूरते हुए देखा। शेरू का दिल डर से धड़कने लगा। वह कुछ कर पाता इससे पहले ही उस डायन की आवाज हवा में गूंजने लगी। तुम यहाँ नहीं होने चाहिए, डरे हुए शेरू ने मुड़कर भागना शुरू किया, लेकिन वह अजीब डरावनी शक्ति उसके पीछे पीछे चलने लगी। उस रात के बाद शेरू ने कभी भी इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, न ही कोई उसे फिर से देख पाया, और वह भूतिया वाटर पार्क वैसे ही छोड़ दिया गया जैसे वह था, किसी और जिज्ञासु आत्मा के इंतजार में। ये एक गर्मी की संध्या थी जब शेरू पहली बार ट्रेन में सवार हुआ। सोने जैसी धूप खिड़की से होकर अंदर आ रही थी और ट्रेन के गुजरने से बाहर का दृश्य हरे भरे खेतों और नीले आसमान में धुंधला सा हो गया था। शेरू बहुत उत्साहित था, दुनिया को ऐसे घूमते हुए देख रहा था जैसे कोई सपना हो। लेकिन अचानक जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, एक अजीब ठंडक पूरे डिब्बे में फैल गई। एक लंबा शख्स जो काले रंग की वर्दी पहने हुए था शेरू के पास आया। शेरू ने अपनी थैली में हाथ डाला, लेकिन उसका टिकट कहीं नहीं मिला। वह घबरा कर टिकट ढूंढने लगा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। टिकट कृपया, वह व्यक्ति बोला, उसकी आवाज ठंडी और दूर जैसी थी। मैंने रखा था पर अब नहीं मिल रहा, शेरू डर के साथ बड़बड़ाया। टिकट कलेक्टर की आंखें सिकुड़ी हुई और इससे पहले कि शेरू कुछ समझ पाता, ट्रेन की बत्तियां झपकने लगी। अचानक वातावरण में अजीब सी खामोशी छा गई, फिर खिड़कियां अंधेरे से भर गईं। ट्रेन पहले से कहीं ज्यादा तेज चलने लगी और अब वह वही ट्रेन नहीं रही थी। डिब्बों में सन्नाटा था और कहीं गहराई से रहस्यमय सरसराहट और हड्डियां चटकने की आवाज आ रही थी। शेरू ने बाहर देखा, लेकिन बाहर का दृश्य अब परिचित नहीं था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और दूर से रहस्यमय दीपकों की मध्यम रोशनी झपक रही थी। तभी ट्रेन के कोने से एक भूतिया आकृति उभरी। उसकी फीकी सी शक्ल हल्की सी रोशनी में चमक रही थी। उसकी आंखें काली और खाली थी। उसने अपनी हाथ की अंगुली उठाई और एक काले जादू की लहर शेरू पर फेंकी। अचानक शेरू का शरीर कठोर हो गया, उसकी फर गायब हो गई और एक पल में वह छोटे निस्तेज टिकट में बदल गया। ट्रेन की रफ्तार और तेज हो गई और उन रहस्यमय फुसफुसाहटों की आवाज और भी जोर से सुनाई देने लगी। टिकट कलेक्टर ने शेरू का छोटा टिकट उठाया और उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। उस दिन के बाद से कोई भी शेरू को नहीं ढूंढ पाया। ट्रेन अपनी राह पर चलती रही और शेरू की कहानी एक रहस्य बन गई। वह गायब हो गया और अब सिर्फ एक टूटी फूटी टिकट के रूप में एक भूतिया ट्रेन में छुपा हुआ था। शेरू अधी रात को हॉन्टेड टाउन में कुन गया। शेरू एक लंबी यात्रा के बाद एक छोटे से होटल में रुक नहीं आया था। थका हुआ शेरू जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन रात के बीच में एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी। अनखे मलता शेरू नींद में उठकर दरवाजे की तरफ गया। शेरू ने दरवाजा खोला, दरवाजे पर एक छोटा सा पर्सेल रखा था जिसमें कोई नाम नहीं था। सिंह उसने ध्यान से उस पर्सेल को खोला, वहाँ एक कंकाल था जो हैरत अंगेज तरीके से उसके अपने जैसा दिख रहा था। डर के मारे शेरू ने तुरंत रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर सब कुछ बताया। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों मुझसे मजाक कर रहे हो। रिसेप्शनिस्ट ने कुछ नहीं कहा और ओसी घूरनी लगी और होटल का माहौल बदल गया। रोशनियां भी फ्लिकर कर रही थी और हवा में एक अजीब और ठंडी सी महसूस होती थी। होटल के दीवारें जैसे कुछ फुसफुस कर रही थी, जैसे होटल खुद जीवित हो। डर के मारे शेरू होटल से भागकर खामोश सड़कों पर निकला। जब वो पास के एक घर की तरफ दौड़ा तो पूरी शहर में एक अजीब सी शांति थी। जल्दी ही
उसने समझा कि सच्चाई ये थी, ये शहर सिर्फ सुनना नहीं था बल्कि ये भटकती रूहों से भरा हुआ था।